ओम नमः शिवाय। हरिओम। शिवरात्रि की पूर्व संध्या पर एक ऐसी विषय पर बात होनी चाहिए कि जैसे हम देवी देवताओं के नाम पर महापुरुषों की जयंतियां मनाते हैं, देवी देवताओं को समर्पित कर व्रत त्योहार इत्यादि हम मनाते हैं, ये मात्र सिर्फ हमको मनोरंजन इंजॉय तो नहीं है, एक पूजा करके यांत्रिक ढंग से पूजा करके हम निकल जाएं और मेरी ड्यूटी समाप्त। तो मुझे लगता है कि व्रत त्योहार आते हैं तो हमारे लिए ये पूर्वजों ने एक ऐसी व्यवस्था बना दी है कि हम रिचार्ज होते हैं, पुनर्ऊर्जा का एक संचार का माध्यम है, हम संचारित होते हैं और संचारित होने के लिए वो विषय बड़ा आवश्यक है। शिवरात्रि, महाशिवरात्रि में एक संदेश मुझे लगता है कि वो आपके साथ हमें साझा करनी चाहिए। भगवान शिव को देवाधिदेव महादेव कहते हैं, देवाधिदेव ना, देवों के देव महादेव। वहां भी भगवान शिव क्या है, अभिभावक हैं। जितने हमारे देवमंडलों में देवी देवताओं के बीच में भगवान शिव अभिभावक हैं सबों के, यानी देवों के देव वो महादेव हैं, वो महादेव जो देवी देवताओं के भी देव हैं, संपूर्ण त्रिलोकी नाथ, संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक भगवान शिव। यह भी कह सकते हैं कि भगवान शिव को मानने वाले किसी न किसी रूप में, किसी पंथ, किसी जाति, किसी संप्रदाय के रूप में वाले हों, किसी न किसी रूप में भगवान शिव को मानते ही हैं। या हम भगवान शिव की कोई सा भी नाम बोल दे, या मकेश्वर नाथ हम क्यों न कहें, है तो शिव। कोई किसी कारणवश संकोचवश किसी बात को शायद स्वीकार ना भी करे, लेकिन शिव जो है, भगवान शिव का जो आकार, जो शिवलिंग का जो मान्यता है, वो एक ब्रह्मांड स्वरूप, उस विग्रह को मानना किसी न किसी रूप में सभी लोग मानते हैं, वो बड़ा वैज्ञानिक भी है। तो विषय आज हमारा विज्ञान से संबंधित नहीं है, हम अध्यात्म की ही बात करेंगे। तो आज हमें एक विषय पर बात करने की आवश्यकता लग रही है कि भगवान शिव से इस महाशिवरात्रि में हम क्या संदेश लें, जो भगवान शिव आज भी सामयिक है, मेरे लिए बहुत प्रासंगिक है, और एक सामयिक समय में हम उनसे से कौन सी प्रेरणा लें, इसे कौन सा हमें पाठ होनी चाहिए जो हमारे घर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, या फिर राज्य के लिए, या पूरे देश भर की बात क्यों ना हो। तो जो भी हमारे मुखिया हैं, वो घर के मुखिया हों, हम हमारे समाज के मुखिया हों, राज्य के मुखिया हों, या देश के मुखिया हों, इन सबों को हम अभिभावकों को एक मुख्य संदेश देने की यह आवश्यकता है कि भगवान शिव हम जब भी देखे हैं तो ध्यान मुद्रा में ही ज्यादा उन्हें पाया जाता है कि वो ध्यानरत हैं। दूसरी बात, उनके शरीर में एकमात्र मृगछाला होता है, वो जहां सिंहासन लगाते हैं या दरबार लगाते हैं, मात्र कैलाश पर्वत एक चट्टान पर बैठकर दरबार लगा लेते हैं। एक दूसरा पक्ष भी है, हम जब महाशिव के जब परिवार का दर्शन करते हैं, अपने मानस पटल पर महाशिव के आप परिवार को एक पर चित्र को चित्रांकित करें, तो भगवान शिव स्वयं हैं, माता पार्वती हैं, गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, हम इन चार को ही लेते हैं, और चारों के जो वाहन हैं, बड़े ध्यान देने की बात है, वहां बैल भी है नंदी स्वरूप, वहां सिंह भी है माता की सवारी, चूहा भी है, मोर भी है और सांप भी है। विषय ये है कि एक परिवार में आपस में परस्पर सभी विरोधी, जैसे सिंह के सामने बैल, नागदेव के सामने मोर और चूहा, पर ये बहुत बड़ा संदेश है कि हो सकता है कि हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे आसपास, हमारे मनोनुकूल या बिल्कुल विपरीत परिस्थिति, विपरीत प्रतिकूल भी हमारे कोई हो सकते हैं उसी मानसिकता के लोग, पर समाज का यदि निर्माण हुआ है तो समाज में हम सबों को एक सामाजिक समरसता, इस बात का बोध खिंचाव
ख्याल रखते हुए, दृष्टिकोण पे रखते हुए हम सबों को लेकर चले समाज में, सबों की एक सामाजिक मूलता, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारा समाज ऐसा होना चाहिए। कई कारणों से समाज में विकृतियां आई हैं, लेकिन आज भारत पुनः पुराने भारत की तरफ, इंडिया से भारत की तरफ हम लौट रहे हैं, आर्यवर्त की तरफ, और राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम सभी अपनी ओर से एक एक कदम आगे बढ़ें। हम अपने परिवार से ही प्रारंभ करते हैं कि क्या हमारे समाज में इस प्रकार के समायोजन, ऐसा संतुलन है क्या। तो आज से हम उसकी प्रार्थना, उसके लिए हम प्रयास करें। दूसरी बात, भगवान शिव को देख के और एक बातें लगती है कि जो गार्जियन स्वरूप, जो अभिभावक है, वो स्वयं की चिंता नहीं करते, परिवार के लिए। देखिए उनके परिवार में जो भी लोग हैं, बाकी जितने देवी देवता हैं, समूह का बड़ा बड़ा महल, बड़ा प्रासाद, उनके वाहन, दिव्य वाहन, नैवेद्य, एक से एक दिव्य नैवेद्य लगते हैं, उनके अलंकार बड़ा दिव्य होते हैं, लेकिन बाबा शिव को अलंकार क्या है? विषधर नाग। उनके पोशाक क्या है? परिधान एक मृगछाला मात्र। उनके प्रासाद में, महल में क्या है? खुले आकाश में कैलाश पर्वत पर विराजमान है। उनके लिए वाहन क्या है? तो मात्र नंदी है। और उनका श्रृंगार भी क्या है? तो भस्म लपेटे रहते हैं और ऊपर से हमेशा ध्यान मग्न। तो बाकी देवी देवताओं के दिव्य स्वरूप हैं, दिव्य प्रासाद है, महल है, वाहन है, उन्हें नैवेद्य भी एक से एक व्यंजन चढ़ते हैं, ये तो मात्र सूखे पत्ते में और एक कलश जल में भी संतुष्ट हो जाते हैं और भक्तों को बड़ा दान देते हैं, वो अभयदान कि चलो मस्त रहो। तो ऐसा स्वरूप अभिभावक को होना चाहिए, और अभिभावकों से सीखकर जितने भी समाज में, परिवार में जितने सदस्य हैं, सभी को अनुसरण करना चाहिए। आज या कल आपकी बारी आती है, तो इस प्रकार की हृदय की विशालता, इस प्रकार की त्याग की भावना करते हुए, और बाबा शिव हमेशा जब ध्यानरत हैं, तो हमारे परिवार का संचालन कैसे हो, हमारे परिवार के लोगों का भरण पोषण कैसे हो, सबों की एक कल्याणकारी चिंता करते हुए हमेशा वो ध्यान मग्न रहते हैं। इस प्रकार के हमें संदेश मिलता है, और यह चीज, इन सारी बातों को हम अपने जीवन में कैसे व्यवहारिक रूप में, अपने आचरण में कैसे व्यवहार में लाए, हमारा जीवन स्वर्ग बन जाता है। और सब कुछ पी लेते हैं, देने के लिए बाबा के पास कुछ भी, जो भी एक सीधे मन से गया, बाबा सब कुछ समर्पित, उनको सब कुछ दे देते हैं, लेकिन स्वयं क्या ले लिया? वो नीलकंठ, वो तो विष भी पान कर लिए। पूरे परिवार को प्रसन्न करने के लिए ये विष, ये तीखापन कहां जाए, तो स्वयं बाबा उसे ग्रहण कर लिए, नीलकंठ हो गए, लेकिन बाकी के सभी के लिए कल्याण की चिंता करते रहते हैं। एक बहुत बड़ा संदेश। हम फिर आगे भी मिलते रहेंगे अन्य मुलाकात में, और किसी भी सेवक के साथ हम मिलते रहेंगे। आप लोगों का जो सुझाव आ रहा है, आप लोग मेरे इस छोटे से एक सेवा को स्वीकार कर रहे हैं, बात बात में हमारे पास आप लोगों का सुझाव आ रहा है, कुछ मांगे भी आती हैं किस विषय पर करना चाहिए। महाराज जी, मेरा प्रयास है और आगे भी रहेगा कि हम आपको इस प्रकार से, इस प्रकार से प्रतिदिन आपको हम राशिफल भी आपकी सेवा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं, करते रहें। शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मिलता रहे मेरा वीडियो। अगली मुलाकात के लिए ओम नमः शिवाय।